दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पिज्जा बॉय के चलते 72 घरों पर जो है खतरा, कंपनी पर होगी कार्रवाई। तो दोस्तों यहाँ ये रिपोर्ट जो है दिल्ली की रिपोर्ट है और यहाँ पे नई दिल्ली की रिपोर्ट है। दोस्तों ये बहुत ही गंभीर रिपोर्ट है। यह 16 अप्रैल का जो है 16 अप्रैल को ही पिज्जा बॉय को जो है पॉजिटिव यहाँ पे घोषित किया गया, क्योंकि ये 20 दिन पहले से जो है 20 दिन पहले से रोग से ग्रसित था और सर्दी खांसी इसका जो है पहले से 20 दिन पहले से इसका था अभी, और कितनों भी दवाई वगैरह खाने से जो है सर्दी खांसी इसका जो है जा नहीं रहा था पिज्जा बॉय का। तो दोस्तों यहाँ पे जो है पिज्जा कंपनी पे जो है कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे मैटर यह है कि डिलीवरी बॉय में 20 दिन से कोरोना के लक्षण थे। वो कुछ अस्पतालों में गया था, 20 दिन में उसने 72 घरों में पिज्जा सप्लाई किया था। स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने कहा कि कंपनी ने लक्षण के बावजूद डिलीवरी बॉय से काम करवाया, यह लापरवाही का मसला है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बंदे का जो है इलाज यहाँ पे जो है अस्पताल में किया जा रहा है। उसके बाद मालवीय नगर इलाके का मामला है ये दिल्ली का, 72 परिवारों को किया क्वारंटीन। मतलब यह दोस्तों एक तो खुद ही कोरोना वायरस जो पॉजिटिव मिला है, ऊपर से जो है दोस्तों यहाँ पे सर्दी खांसी का लक्षण और रहने के बावजूद जो है इसने 72 घरों में पिज्जा का सप्लाई किया। तो इसने दोस्तों अपना बीमारी को जो है 72 घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो दोस्तों दिल्ली के मालवीय नगर में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद सरकार ने उन सभी परिवारों को क्वारंटीन कर दिया है जिनमें वो पिज्जा बांटने गया था। उसके साथ काम करने वाले 17 डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन कर किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल डिलीवरी बॉय में 20 दिन से कोरोना के लक्षण थे और वह कुछ अस्पतालों में गया था। 20 दिन में उसने 72 घरों में पिज्जा सप्लाई किया था। सभी 72 घरों के लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कंपनी के लक्षण के बावजूद डिलीवरी बॉय से काम कराया लापरवाही का मसला है। कोरोना पर फुल कवरेज के लिए यहाँ क्लिक करें। दोस्तों वही साउथ दिल्ली के डीएम ब्रजमोहन मिश्रा ने कहा कि हमने डिलीवरी बॉय को इलाज के लिए भेजा और जिन 72 घरों में उसने डिलीवरी की थी उनको होम क्वारंटीन किया गया, वो दुकान बंद करा दी है। बाकी उस आउटलेट के सभी डिलीवरी बॉय और स्टाफ की क्लिनिक जांच कराई जा रही है। सभी एहतियाती उपाय कर रहे हैं। अगर मदद की है ज़रूरत तो इन नंबरों पर कॉल करें, लेकिन बाहर ना निकले। तो डीएम ब्रजमोहन मिश्रा ने कहा कि संक्रमित लड़के ने बताया कि वो मास्क लगाकर ही डिलीवरी देने गए थे और सभी सोसाइटियों या कॉलोनीज के गेट पर सैनिटाइजर के हाथ साफ किया था। फिलहाल 72 घरों में किसी को भी सर्दी जुकाम का फ्लू के लक्षण नहीं है। एहतियात तो सबको क्वारंटीन कर रहने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बहुत ही बेहद बेड न्यूज निकल के आ रही है कि दोस्तों एक पिज्जा बॉय जो है रोग से ग्रसित होने के बावजूद भी कंपनी वालों ने इससे काम कराया, तो सब कार्रवाई किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आप अगर दिल्ली के आसपास में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं तो शेयर ज़रूर करें, और आप कहीं भी रहते हैं तो दोस्तों शेयर ज़रूर करें। और कोरोना से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि पल बाय पल लेटेस्ट न्यूज़ जो है दोस्तों इस चैनल में आते रहते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।